हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल करियर प्लान। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बात करने वाले IMECET के एग्जाम के बारे में जानेंगे। दिन हम लोग IMECET का जो वेबिनार होने वाला था उसके बारे में जानेंगे, फुल इन्फॉर्मेशन IMECET से रिलेटेड। ठीक है, तो यार शुरू से लेकर आखिर तक बने रहो। सबसे पहले हम जानेंगे IMECET के एग्जाम्स के बारे में। जैसे कि फ्रेंड आप लोगों को पता था कि यार IMECET का एग्जाम होने वाला था और अभी IMECET के एग्जाम का फॉर्म जो है वो फिल हो रहा था। ठीक है, उसी के साथ साथ कुछ कुछ जो प्राइवेट कॉलेज है उस लोग का भी फॉर्म ऑलरेडी अप्लीकेशन फॉर्म उसका फिल हो चुका था। देन कंपनी सबका स्पॉन्सरशिप जो एग्जाम है वो चल रहा था। देन किसी किसी कॉलेज का, किसी किसी कंपनी का इंटरव्यू भी चल रहा था। तो यार सारा का सारा कुछ होने वाला था IMECET के बेस पे, यानी कि IMECET के रैंक पे सारी की सारी कॉलेज एडमिशन लेने वाली थी। जितनी भी प्राइवेट कॉलेज थी या फिर गवर्नमेंट कॉलेज थी, सारी की सारी कंपनी स्पॉन्सरशिप हुआ या फिर कॉलेज का एडमिशन हुआ, सब कुछ होने वाला था IMECET के रिजल्ट के ऊपर में। लेकिन IMECET का एग्ज़ाम जो है अब नहीं होगा। ठीक है, IMECET ने डिक्लेयर कर दिया कि अब IMECET का एग्ज़ाम नहीं होगा। फिलहाल IMECET का अप्लीकेशन फॉर्म फिल किया जा रहा है। ठीक है ये फ्रेंड्स, मैं IMECET पे एग्ज़ाम जैसे कि कैंसिल हुआ, मैं पहले भी मैं वीडियो बना सकता था, बट मेरे पास पूरा फुल अपडेट डिटेल्स नहीं था। इस वजह से मैंने वीडियो को रिस्पॉन्ड कर दिया और मैंने अभी थोड़ा डिले करके मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए ताकि सारा का सारा कुछ आप लोग को पैटर्न पता चले कि किस किस पैटर्न के तहत आप लोग का एडमिशन होगा। ठीक है, लेकिन अब मैं बात करता हूँ दोस्त, एडमिशन किस प्रोसीजर पे होगा, एडमिशन किस चीज़ के बेस पे होगा। तो यार अभी तो IMECET का बताया गया कि किस किस बेसिस पे होगा, वो अभी डिक्लेयर नहीं किया गया है। सबसे पहली बात जो मेरा अंदाज़ा है और जो मुझे लगता है कि और जो भी मर्चेंट नेवी के जो भी कैप्टन है, जो भी बड़े बड़े चीफ ऑफिसर्स हैं, तो उन लोगों के साथ जब मेरी बात हुई तो उन लोगों का जो कहना था कि यार सबसे पहली बात जो 12th की मार्क्स है, तो आपको IMECET ने कह दिया कि 12th के मार्क्स पे आपका वहाँ एडमिशन होगा। 12th के मार्क्स पे वो IMECET रैंक डिक्लेयर करेगा, उस रैंक के बेसिस पे आप लोग का एडमिशन होगा। देन जो प्राइवेट कॉलेज है, ये बात समझ लो कि प्राइवेट कॉलेज का अपना एक अलग ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो प्राइवेट कॉलेज को इस सेशन के लिए, ठीक है, IMECET जो नहीं होगा सिर्फ इस सेशन के लिए, नेक्स्ट सेशन में वो होगा, क्योंकि अभी कोरोना वायरस की वजह से प्रॉब्लम जो भी सिचुएशन ख़राब चल रही है अपनी इंडिया की, उस हिसाब से अभी जो है किसी चीज़ अभी सारा का सारा एग्ज़ाम को जो है पोस्टपोन कर दिया, अभी एग्ज़ाम होने वाला नहीं है, चाहे वो जेई मेंस हो, चाहे वो नीड्स की हो, चाहे वो आप लोग को IMECET हो गई। ठीक है, तो बेसिकली मैं आप लोग को बताने वाला था कि जो भी बंदे लोग 12th में अपेयरिंग हो, जो बंदे लोग 12th का रिजल्ट, तो बेसिकली अभी 90% बंदे लोग का 12th का रिजल्ट आ चुका होगा और कुछ कुछ बंदे लोग का रिजल्ट जो बचा होगा, फंसा होगा, जो अभी किसी किसी स्टेट बोर्ड का होगा मे बी, बट आई थिंक सारे के सारे 12th का रिजल्ट जो डिक्लेयर हो चुका है किसी भी बोर्ड का, ठीक है, स्टेट बोर्ड का भी हो चुका है और जो CBSE बोर्ड है, SSC बोर्ड है, सबका निकल चुका है रिजल्ट। तो यार यहाँ पे आपका मार्क्स जो है, यहाँ पे आपको CET जो जनरेट होगा, यहाँ पे जब CET का रैंक जो आपको मिलेगा वो आपको 12th के बेसिस पे मिलेगा और 10th के बेसिस पे भी मिलेगा। मीन्स जो भी प्राइवेट कॉलेज, सबसे पहले मैं प्राइवेट कॉलेज की बात करता हूँ, तो प्राइवेट कॉलेज को इस सेशन के लिए मेरे हिसाब से लग रहा है वो IMECET से कोई भी इसको लेना देना नहीं रहेगा। यानी क्या, उसको प्राइवेट जो भी कॉलेज है, चाहे वो जो टॉप के कॉलेज है, जो प्राइवेट में भी जो बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं जो कि IMECET के बेसिस पर मांगता था, सिर्फ वो IMECET के बेसिस पर ले लेता था और वो कॉलेज का खुद का जो एग्ज़ाम होता है, जैसे लाइक कि मैं बता दूँ ARI हो गया, ठीक है, IMI हो गया, तो ये दोनों कॉलेज से क्या था कि वो जो इस दोनों कॉलेज का जो अप्लीकेशन फॉर्म जो आप लोग फिल करते थे उसका, उसके बाद जो आपका एग्ज़ाम होता था ऑनलाइन एग्ज़ाम, तो ऑनलाइन एग्ज़ाम और जो इस कॉलेज का इंटरव्यू था वो एक फॉर्मेलिटी था, वो एक क्या था, वो एक फॉर्मेलिटी था और वो बेसिकली लेता था वो IMECET के रैंक के वो लोग बेसिकली स्टूडेंट लोग को सेलेक्ट करता था। बट इस साल से आपका IMI हो गया, ARI हो गया, वो खुद का जो एग्ज़ाम लेगा उसकी क्वेश्चंस पैटर्न डिफरेंट होगी। ठीक है, उसका जो खुद का इंटरव्यू का लेवल लगा वो थोड़ा डिफरेंट होगा, वो थोड़ा डिफिकल्ट होगा। मीन्स कि इस बार IMECET के बेसिस पे बहुत ही कम कॉलेज जो है वो एडमिशन लेगी। ठीक है, हर कॉलेज अपना अपने जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था, यार मान लीजिए कि कोई कोई कॉलेज है जो 65 प्लस मांगती है, किसी किसी कॉलेज का जो क्वेश्चंस पैटर्न है साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है, किसी किसी कॉलेज में नहीं होता है, उसके हिसाब से होगा। तो यार यहाँ पे जो होगा वो कॉलेज का CET पे डिपेंड करेगा। मींस कि अगर आपने मान लो एंग्लो का एग्ज़ाम दिया, तोलानी का एग्ज़ाम दिया, समुद्रा का एग्ज़ाम दिया, किसी भी प्राइवेट कॉलेज का आपने फॉर्म भरा, उसका एग्ज़ाम दिया, तो प्राइवेट कॉलेज का जो आपने एग्ज़ाम दिया उस एग्ज़ाम में आप कितना रैंक लेके आते हो वो मैटर करेगा यहाँ पे। ठीक है, देन नेक्स्ट जो मैटर करेगा वो आपका 12th का मार्क्स मैटर करेगा। तो सबसे पहले जो आपको फर्स्ट है कि आप उस कॉलेज का जो एग्ज़ाम हुआ है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो उस कॉलेज का हुआ, उसमें आपने कितना रैंक स्कोर किया है। ये समझ लो कि किसी, मान लो कि कोई कॉलेज का 80 नंबर का एग्ज़ाम हो रहा है, कोई कॉलेज का 100 नंबर का एग्ज़ाम हो रहा है, तो उसमें आपने कितना
रैंक लेके, उस कॉलेज का जो एग्ज़ाम हो उसमें आप कितना नंबर लेके आए हो, ठीक है। उसके बाद ट्वेल्थ में क्या वो सेकेंडरी ऑप्शन रखा जाएगा, जो भी प्राइवेट कॉलेज की मैं बता रहा हूँ, उसके बाद मैं बताऊँगा आपको गवर्नमेंट कॉलेज का, ठीक है। तो इसी की वजह पे तुलानी एडमिशन लेगा, पहले वो आपका जो कॉलेज का आपका एग्ज़ाम हो चुका था उस एग्ज़ाम का रैंक देखेगा जो कॉलेज का हुआ प्राइवेट, उसके बाद से कॉलेज खुद का इंटरव्यू लेगा, उसके बाद से मेडिकल मीन्स कि कॉलेज अपना अपने हिसाब से बंदा को सिलेक्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद से जो पहले जो सबसे पहले देखो यार, सबसे पहले समझ लो कि जो कॉलेज में एग्ज़ाम होने वाला था, जो कॉलेज का जो एडमिशन प्रोसीजर था वो पहले IMECET के बेसिस पे था, लेकिन इस बार से क्या होगा कि आप लोगों को कॉलेज का जो प्राइवेट जो पर्सनल एग्ज़ाम होता है, जो कॉलेज का जो CET होता है, तो कॉमन एंट्रेंस हर कॉलेज अपना अपना प्राइवेट लेता है, ठीक है। तो इस बार क्या करेगा, वो जो कॉलेज अपना प्राइवेट CET लेगा, ठीक है, उसके बेसिस पे वो एडमिशन बेसिकली करेगा, ठीक है। तो यार आप IMECET का जो यहाँ पर रैंक है वो थोड़ी देर के लिए मैटर नहीं करेगा इस सेशन के लिए, जो प्राइवेट टॉप के कॉलेज है उस वो थोड़ा सा इसको सेकेंडरी रखेगा IMECET को, बस वो फर्स्ट जो रखेगा वो अपना कॉलेज का खुद का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट पे लेगा बच्चे लोग को, ठीक है। तो इस हिसाब से यार आप लोग सोच लो कि जो भी एंग्लो है, तुलानी है, ग्रेट ईस्टर्न है, समुद्रा है, वो सब क्या करेगी इस बार का एडमिशन प्रोसीजर के हिसाब से, जो मेरे हिसाब से लगता है, जो उस लोग का जो आप लोगों ने फॉर्म भरा होगा, जो कॉलेज का जो CET एग्ज़ाम होगा उसमें आप कितना अच्छा स्कोर करते हो, देन नेक्स्ट आप ट्वेल्थ के बोर्ड एग्ज़ाम में कितना अच्छा स्कोर करते हो, देन नेक्स्ट कि आप इंटरव्यू में कितना अच्छा स्कोर करते हो, इस तीनों के बेसिस पे आपका उस कॉलेज में एडमिशन होगा। अगर आपने मान लो कि अच्छा स्कोर किया है बोर्ड एग्ज़ाम में, अगर आप कॉलेज का एग्ज़ाम हो रहा, कॉलेज जो CET ले रहा है उसमें अगर आपने अच्छा स्कोर नहीं कर पाया, अगर आप इंटरव्यू में अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हो, तो कॉलेज में एडमिशन की चांसेस थोड़ी कम है, मीन्स कि ना के बराबर उसमें एडमिशन की चांसेस है। बट वहीं पे अगर आपने ट्वेल्थ के मार्क्स में थोड़े कम भी अगर स्कोर किए हैं और कॉलेज का जो एग्ज़ाम हुआ उसमें अगर आप अच्छा स्कोर कर लेते हो, इंटरव्यू में आप अच्छा स्कोर करते हो, तो यहाँ पे आपके एडमिशन के चांसेस ज़्यादा है। तो मीन्स जो प्राइवेट कॉलेज, उसमें ये समझ लो कि वहाँ पे आपका खुद का जो कॉलेज का CET होने वाला है, वहाँ उस पे डिपेंड पड़ेगा कि आप उसमें कितना अच्छा रैंक स्कोर करोगे, उसके बेसिस पे आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिलेगी, ठीक है। और प्राइवेट कॉलेज में जो एडमिशन मिलेगी तो उसके हिसाब से जो जॉब्स की सिचुएशन से, यानी कि स्पॉन्सरशिप वगैरह की जो है, तो जो भी टॉप के कॉलेज में अगर आपको एडमिशन मिल जाता है, जस्ट लाइक एंग्लो हो गया, तुलानी हो गया, ग्रेट ईस्टर्न हो गया, समुद्रा हो गया, तो यहाँ सबसे पहली बात तो प्लेसमेंट का दिक्कत है नहीं, ठीक है। दूसरे नंबर पर स्पॉन्सरशिप की अगर मैं बात करूँ, तो स्पॉन्सरशिप के लिए यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट कंपनी सबको बुलाती रहती, तो यार हर कंपनी अपनी थोड़ी पॉलिसी यहाँ पर चेंज करेगा। कुछ कुछ कंपनी से जो स्पॉन्सरशिप जो IMECET के बेसिस पे लेती थी, या फिर IMECET के जो टॉप रैंकर होते थे उन सबको वो लोग सेलेक्ट करती थी, लेकिन इस बार से वो लोग ट्वेल्थ में जो अच्छे खासे रैंक स्कोर करेंगे उसके बेसिस पे लेंगे, और जो कंपनी खुद का जो एग्ज़ाम लेगी उसके बेसिस पे वो लोग बंदे लोग को सेलेक्ट करेंगे और बंदे लोग को स्पॉन्सरशिप देंगे। तो यार यहाँ पे मैटर करेगा आपका जो आपके पास जो नॉलेज है, ठीक है। ये मत सोचना कि यार मैं इतना दिन से प्रिपरेशन कर रहा था IMECET का, बहुत सारे बंदे लोग जो IMECET की प्रिपरेशन कर रहे थे, ठीक है, तो वो लोग सोचते होंगे यार मेरा इतना जो मैंने हार्ड वर्किंग किया, इतना जो मैंने अपने IMECET के लिए मैंने पढ़ा है, तो वो यहाँ पे यूज़ नहीं होगा। तो यार इस सब चीज़ों को ध्यान मत दो, आपने जो भी पढ़ा है IMECET से रिलेटेड, आपने IMECET की प्रिपरेशन करने के लिए जो भी बुक्स पढ़ा है, आपने IMECET के हिसाब से अपना माइंड सेट बना कर रखे हो कि यार मेरे को ये करना है, मेरे को IMECET निकालना है, मेरे को स्पॉन्सरशिप लेना है, तो यार आपने जो भी पढ़ा IMECET से रिलेटेड वो आपको यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है, ठीक है। तो उसके लिए दिक्कत नहीं लो, क्योंकि हर कॉलेज का इसमें अलग अलग है। तो मैंने आप लोग को प्राइवेट कॉलेज के बता दिया कि प्राइवेट कॉलेज में किस बेसिस पर एडमिशन होगा, ठीक है। अब गवर्नमेंट कॉलेज का सुन लो, गवर्नमेंट कॉलेज में क्या होगा। गवर्नमेंट कॉलेज जैसा आपको पता था कि गवर्नमेंट कॉलेज में इंटरव्यू नहीं होता है, ठीक है। वहाँ पर डायरेक्ट आपने फॉर्म भरा, फॉर्म भरने के बाद एग्ज़ाम होता था, एग्ज़ाम होने के बाद रैंक निकला, रैंक निकलने के बाद आपका काउंसलिंग होकर आपका एडमिशन हो जाता था, ठीक है। ये गवर्नमेंट कॉलेज की थी, बट इस सेशन से मेरे हिसाब से लगता है ये चेंज भी हो सकता है, ये 100% ये राइट इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये अकॉर्डिंग टू मी बता रहा हूँ, ठीक है। बट मेरे हिसाब से और जो भी कैप्टन थे, जो भी IMECET के चीफ गेस्ट सब थे, जो अभी जो आप लोगों को पता हो कि IMECET का जो वेबिनार हुआ था, तो उस वेबिनार में मैंने फॉर्म फिल किया था, उस वेबिनार को मैंने देखा, तो वहाँ पर वॉइस क्वालिटी उतना सही नहीं आ रहा था। बट एक्चुअली में जो मैंने सीखा है आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, यार आप लोग ये समझ के चलो कि आपने अगर अच्छा स्कोर किया ट्वेल्थ के मार्क्स में, अगर आपने अच्छे खासे पढ़े हो IMECET की प्रिपरेशन करने के लिए, आपने स्पॉन्सरशिप के लिए अच्छा खासा पढ़े हो, तो यहाँ पे आपको बहुत ही हेल्पफुल करेगा किसी अच्छे से अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने में, ठीक है। तो गवर्नमेंट कॉलेज क्या, गवर्नमेंट कॉलेज में सिंपल था, आप लोगों ने फॉर्म भरा होगा, तो IMECET का फॉर्म जो डेट का वो एक्सटेंड कर देगा, वो 21 अगस्त तक आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है। आप लोग ये मत सोचना कि यार IMECET अब होगा नहीं तो फॉर्म भर के फ़ायदा क्या, ये कभी मत सोचना, ठीक है। क्योंकि ये एक क्या है कि अभी जो सिचुएशन है उस हिसाब से वैरी कर रहा है, हो सकता है IMECET हो भी नहीं भी हो, तो अभी पूरा क्लियरली नहीं मेंशन किया गया कि IMECET डिक्लेयर है कि नहीं होगा, ठीक है। बट अभी जो अपने इंडिया का सिचुएशन है उसके हिसाब से बताया गया कि यार नहीं होगा, जिस तरीके से JEE Mains नहीं होगा, ठीक है।
तो ये समझ लो कि आप लोग को जो आप लोग स्टडी कर रहे हो, आप लोग सिंपल सा फोकस करो अपने स्टडी पे, ठीक है, और इम्प्रूव कर सकते हो आप लोग अपने स्टडी को, क्योंकि अभी जो कॉलेज के एग्ज़ाम्स होगी वो थोड़ी टफ लेवल की हो सकती है, ठीक है। और जो 12th में मार्क्स मतलब स्कोर किया है, तो यार सबसे मैं आप लोगों को पहले भी मैं आप लोगों को बता चुका था यार कि अगर आप लोगों को मर्चेंट नेवी में आना है तो अगर आप 12th में जितना अच्छा मार्क्स स्कोर करके आते हो आप लोगों को एडमिशन्स की उतनी अच्छी चांसेस रहती है। पहले भी मैं आप लोगों को बता चुका था, उतनी अच्छी खासी आप लोगों को नॉलेज रहती है, तो उतने नंबर पर आप लोगों के पास जितना अच्छा मार्क्स होगा उतना आप लोगों के पास स्पॉन्सरशिप की चांसेस ज़्यादा होगी, उतनी सारी कंपनी में फॉर्म फिल करने के आपके पास ऑप्शन ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। तो यार ये समझो कि आप लोग के पास जिस भी बंदे लोग को 12th में अच्छा मार्क्स है, 60+ है, 70+ है, प्राइवेट कॉलेज में आप लोग को एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं IMECET की बात करूँ तो IMECET में सबसे पहला जो एडमिशन होगा वो ये समझ लो कि आप लोगों के 12th के बेसिस पे होगा। तो 12th में जिस भी बंदे लोग का हाई रैंक है, मीन्स कि 90+ है, 80+ है, 85+ है, उस लोग को एडमिशन की चांसेस ज़्यादा है। दूसरे नंबर पे अगर आप ST, OBC और अदर किसी माइनॉरिटी से हो तो यार आपको यहाँ पे सीट रिलैक्सेशन 5% मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को एडमिशन के चांसेस ज़्यादा है, मींस ये समझ लो कि अगर कोई जनरल है उसको अगर 90+ मार्क्स चाहिए तो यार अगर आप ST, ST हो तो यार आपको 80+ भी है तो वहाँ पे आप लोग को एडमिशन के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। तो ये समझ लो, क्योंकि पहले भी बताता था कि IMECET का रैंक अगर आप लेके आते थे और वहाँ पे जनरल को थोड़ी कम रैंक पे लेते थे और ST को अगर ज़्यादा रैंक भी थे वो लोग ले लेते थे, ठीक है। तो आप लोग गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने का यही प्रोसीजर है, सिंपल सा। आप 12th में जितने भी अच्छे मार्क, क्योंकि अब तो 12th का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है तो अब तो आप कुछ कर नहीं सकते हो, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज के। लेकिन आप अभी भी आपके पास टाइम है प्रिपरेशन करने के लिए प्राइवेट कॉलेज के, तो आप लोग प्राइवेट कॉलेज में फॉर्म फिल कर सकते हो। और जो भी प्राइवेट कॉलेज, जो भी टॉप के प्राइवेट कॉलेज है, वहाँ आप लोग को जॉब की कोई दिक्कत नहीं होगा। ये मत सोचना कि यार अभी अगर कोरोना वायरस की वजह से एडमिशन अच्छी कॉलेज में नहीं होता है तो मैं क्या करूँ। सबसे पहली बात, अगर आपके पास अगर आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि यार मैं IMECET क्लियर कर सकता था, मेरे मार्क्स में इतने कम नंबर हैं, तो यार आप 6 मंथ वेट भी कर सकते हो। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसी साल एग्ज़ाम दो, ठीक है, अगर आपके पास फुल कॉन्फिडेंस है। नहीं, अगर आपको लगता है कि यार मैं IMECET उतना अच्छा से नहीं प्रिपरेशन किया हूँ, मेरे से IMECET नहीं निकलेगा, या फिर अगर मेरे बोर्ड्स के मार्क्स उतने अच्छे नहीं हैं, तो आप नेक्स्ट सेमेस्टर में भी एग्ज़ाम दे सकते हो। मीन्स कि अभी हर 6 मंथ पे IMECET का एग्ज़ाम होता ही रहता है, ठीक है, कॉलेज में एडमिशन मिलता ही रहता है, तो आप 6 मंथ के बाद एग्ज़ाम दे सकते हो। ये कोई ज़रूरी नहीं है। और बेसिकली मैं आप लोगों को ये बताऊंगा यार सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पे आपका कैरियर का सवाल है, तो अच्छे से अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना। ऐसा नहीं कि भाई इस अभी कोरोना वायरस की वजह से जो एडमिशन आपको होने में थोड़ी डिफ़िकल्ट होगी, तो ऐसा नहीं कि जो भी कॉलेज में एडमिशन ले लेना, ठीक है, अच्छे कॉलेज में एडमिशन लो। अच्छे कॉलेज में अगर आपको एडमिशन नहीं मिलता, थोड़ा वेट कर लो, 6 मंथ का वेट कर लो, फिर जो नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा उसमें फिर आप अप्लाई करो, फिर उसका एग्ज़ाम दो, ठीक है। बहुत सारे आप लोगों के पास ऑप्शन है यार, दिक्कत नहीं लेना है, ठीक है। तो मैंने आप लोग को बता दिया यार कि आप लोग को किस किस तरीके से आप लोग को वेबिनार में बेसिकली यही सब हुआ कि यार एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगी, CET से रिलेटेड कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन बताएगी, तो वो आप लोग को मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो बेसिकली जो सारा ऑल ओवर मैं आप लोग को बता दूँ कि यार 12th में जिसके भी अच्छे मार्क्स है उसको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन के चांसेस ज़्यादा है, लेकिन 12th में अगर आपको अच्छे मार्क्स है तो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन के चांसेस ज़्यादा नहीं है। प्राइवेट कॉलेज में खुद का जो एग्ज़ाम है, जो प्राइवेट कॉलेज खुद का जो CET हुआ है, उसके बेसिस पे देन सेकेंडरी ऑप्शन रखा गया आपका बोर्ड का रिजल्ट, ठीक है। तो वैसे जैसे IMECET का कुछ अपडेट आता रहेगा तो मैं आप लोगों का वीडियो बना दूंगा, ठीक है। बेसिकली मैं थोड़ा वेट किया कि यार आजकल जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है IMECET का, उसके अकॉर्डिंग ही मैंने सारा का सारा न्यूज़ जो कलेक्ट किया और मैं जो डेटा जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ अभी, तो सारा का सारा मेरे को 2 दिन लगा मेरे को डेटा कलेक्ट करने में कि यार किस किस तरीके से होगा, ठीक है, एक एडमिशन वगैरह। तो मेरी जो बातचीत हुई थी सबसे लोगों से, मेरी जो बातचीत हुई उसके बाद से मैंने वीडियो बनाया आप लोगों को, यार आप लोगों को मैं बता दूं कि ये अपडेटेड डिटेल्स है, ठीक है, हो सकता है इसी अकॉर्डिंगली पे एडमिशन हो, ठीक है। तो यार वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल सब्सक्राइब करना, और आप लोगों को किसी भी कैरियर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट तो कमेंट करना। थैंक यू गाइज, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे। और एक छोटी सी बात फ्रेंड, सबसे पहले तो यार आप लोगों को तहे दिल से थैंक यू, ठीक है, सबसे पहले तो यार आप लोगों को दिल से थैंक यू कि 15K फैमिली अपने कंप्लीट किया, ठीक है, अपने चैनल पे। तो यार आप लोगों को दिल से शुक्रिया, जितना भी आप लोगों को शुक्रिया करो वो कम है यार, क्योंकि आप लोगों ने 15K फैमिली जल्द से जल्द कंप्लीट किया। और मैं अभी एक्चुअली में यहाँ पे वीडियो थोड़ा मैं कम बना था, क्योंकि यार यहाँ पे अभी मैं विलेज में आ चुका हूँ, अभी मैं विलेज में हूँ तो यहाँ पर नेटवर्किंग प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, ठीक है, उस हिसाब से फिर यहाँ पर लाइटिंग का भी बहुत प्रॉब्लम है, और अभी फ्लूड का है, तो अभी कुछ मार्केट बहुत ही ख़राब चल रहा है, तो इस हिसाब से यार
इंसान को थोड़ा टाइम नहीं मिल पाता है आप लोगों के लिए, बट जैसे ही मेरे को टाइम मिलता है मैं जल्द से जल्द मैं अपने वीडियो बना के आप लोगों को दे देता हूँ, ठीक है। इससे मैं प्रीवियस वीडियो थे इसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं क्यू एन ए करने वाला हूँ, तो यार आप लोगों का क्यू एन ए का भी मैंने क्वेश्चन सब लिख रखा है, किस किस क्वेश्चन ऑल ओवर सारे सारे क्वेश्चन को मैं कलेक्ट भी कर चुका हूँ, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो जो मैंने क्यू एन ए पे मैंने आप लोगों को बताया था उस नेक्स्ट वीडियो वो क्यू एन ए पे आने वाली है, ठीक है। तो यार भाई किसी तरीके सपोर्ट करते रहो, भाई के चैनल सब्सक्राइब करो, और कोई भी कैरियर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी मन में डाउट हो तो कमेंट करो, ठीक है। तो थैंक यू गाइज, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, जय हिंद जय भारत।